हेलो एवरीवन, मेरा नाम नौशीन है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया है और अभी मैं DU से MPhil की स्टूडेंट हूँ। मैं वर्किंग हूँ GTB हॉस्पिटल में एज ए स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। आई गॉट 6th रैंक इन ISS 2020 कंडक्टेड बाई UPSC। दिस इज़ माई थर्ड अटैम्प्ट। और मेरी जर्नी जो अब तक की ISS की है वो जो है बहुत स्पेशल है मेरे लिए। और इसमें जो एक चीज़, इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, पर एक चीज़ जो कांस्टेंट थी वो मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था। मेरे पेरेंट्स ने इस पूरी जर्नी के दौरान मुझे सपोर्ट किया, मुझ पर भरोसा किया और कभी भी उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया मेरे किसी भी डिसीज़न को। उनका हमेशा यही होता था कि अगर आप ये कर रहे हो तो करो, हम आपके साथ हैं। तो इसके लिए मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहूँगी। और हर एक की जर्नी अलग होती है, मेरी भी कुछ अलग थी, कुछ उसमें अप्स एंड डाउन्स आए, कुछ प्रॉब्लम्स आई, उन सबको फेस करते हुए मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है। इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है ये UPSC कंडक्ट कराता है और इसमें एक रिटन एग्ज़ाम होता है जिसमें 6 पेपर्स होते हैं और एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। ये एग्ज़ाम टोटल 1200 मार्क्स का होता है। तो रिटन एग्ज़ाम में 3 दिन में 6 पेपर्स होते हैं। फर्स्ट डे इसमें इंग्लिश और GS का पेपर होता है जो डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है, और सेकेंड डे इसमें स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट और सेकेंड पेपर होते हैं जो ऑब्जेक्टिव नेचर के होते हैं, एंड थर्ड डे इसमें स्टैटिस्टिक का 2 पेपर होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव नेचर के होते हैं। तो मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको पेपर्स के बारे में बताना चाहूँगी। मैंने जो है इंग्लिश और GS के लिए, मैंने इंग्लिश के लिए जो है सिर्फ न्यूज़पेपर को ही फॉलो किया था और ग्रामर की एक बुक थी उसको फॉलो किया था, रेन एंड मार्टिन की। उसके अलावा मैंने इंग्लिश के लिए और कुछ स्पेशल नहीं किया था। और GS के लिए, GS में 4 पार्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकनॉमी एंड पॉलिटी। हिस्ट्री के लिए मैंने 6th to 12th NCERT पढ़ी थी और ज्योग्राफी के लिए भी मैंने 6th to 12th NCERT ही पढ़ी थी। और इकनॉमी में ज़्यादातर क्वेश्चन करेंट से ही आते हैं तो उसके लिए मैंने करेंट अफेयर्स पर ही फोकस किया था, मैंने कोई बुक को फॉलो नहीं किया था इकनॉमिक्स के लिए। और इसके बाद पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत को फॉलो किया था, लेकिन लक्ष्मीकांत से सारे टॉपिक्स नहीं आते हैं, इसमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही लक्ष्मीकांत से आते हैं। और मैं पॉलिटी के अलावा और सारे जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पार्ट हैं इनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज़ करें और उसके बाद जो आपको लगता है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, उनको ही ज़्यादा ध्यान देकर उनको पढ़ें। एक पॉलिटी में भी यही चीज़ हुआ कि लक्ष्मीकांत को पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें जो टॉपिक्स बार बार आ रहे हैं आपके एग्ज़ाम में बस उन्हीं को पढ़ें और करेंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि GS का जो पेपर होता है उसमें करेंट अफेयर्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो करेंट अफेयर्स के लिए मैंने विजन IAS की नोट्स को फॉलो किया था, मंथली कंपाइलेशन आता है उनका करेंट का, उसको फॉलो किया था। तो ये फर्स्ट डे के 2 पेपर्स हो गए और करेंट से ही मेरा जो है इंग्लिश का A से पार्ट कवर हो गया था। और न्यूज़पेपर से, मैं न्यूज़पेपर में द हिंदू नहीं पढ़ती थी, मैं न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती थी। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही इस एग्ज़ाम के लिए अप्रोप्रिएट हैं, आप दोनों में से कोई एक फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड डे जो 2 पेपर होता है और स्टैटिस्टिक का, वो ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है। उसमें फर्स्ट पेपर में जो है तो 40 क्वेश्चन जो स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस एंड प्रोबेबिलिटी के आते हैं उसके लिए मैंने गुप्ता एंड कपूर को फॉलो किया था और जो है रोहतगी को फॉलो किया था। रोहतगी से मैंने सॉल्व एग्जांपल ही पढ़े थे और फैक्ट्स पढ़े थे। गुप्ता एंड कपूर से मैंने सॉल्व एग्जांपल पढ़े थे, फैक्ट्स पढ़े थे, और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर को मैंने पूरा सॉल्व किया था। और ऑब्जेक्टिव में सेकेंड पेपर जो होता है उसमें इन्फरेंस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग आती है 40 मार्क्स की, 20 मार्क्स का ऑफिशियल स्टैटिस्टिक आता है एंड 20 मार्क्स का लीनियर एस्टिमेशन आता है। तो लीनियर एस्टिमेशन के लिए मैंने कोई अलग से नोट्स को या कोई बुक को नहीं फॉलो किया था। मैंने थर्ड पेपर के लिए डिटेल में इकोनॉमेट्रिक्स एंड रिग्रेशन पढ़ा था, तो उससे जो है लीनियर एस्टिमेशन का काफ़ी पार्ट कवर हो जाता है। उसके अलावा डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का कुछ पोर्शन आता है, तो मैंने उसको अपनी MSc की नोट से कवर किया था। तो लीनियर एस्टिमेशन का मेरा इस तरह से कवर हो गया था। और जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड इन्फरेंस के लिए मैंने रोहतगी को फॉलो किया था एंड गुप्ता एंड कपूर को फॉलो किया था। इन दोनों ही पेपर में जो ऑब्जेक्टिव हैं, इन दोनों पेपर में एक ही चीज़ बहुत मैटर करती है, टाइम। इसमें जो है 2 आवर्स में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो इसमें प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो है टाइमली पेपर कम्प्लीट हो जाएगा। जितने ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। और इसमें 2 जो पोर्शन होते हैं, फर्स्ट पेपर में कंप्यूटर का और सेकंड पेपर में ऑफिशियल स्टैटिस्टिक का, ये दोनों पोर्शन जो ऐसे होते हैं जिसमें अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो बहुत कम टाइम होता है लेता है इसमें अटेम्प्ट करने में। क्वेश्चन जो है कंप्यूटर ऑफिशियल के डायरेक्ट आते हैं, और अगर आपको आता है तो आप इसमें बहुत कम टाइम में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं।
तो मेरी यही स्ट्रैटेजी थी कि कंप्यूटर ऑफिसर को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूं। उसके बाद मैंने जो है फोकस किया था प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन में फर्स्ट पेपर में, और इन्फरेंस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग का सेकेंड पेपर में। और ये जो है दो पेपर ऑब्जेक्टिव नेचर के हैं, तो इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और आपका टाइम जो है आप टाइमली पेपर कंप्लीट कर लें, ये चीज़ होनी चाहिए। इन दोनों चीज़ों पर फोकस करना होता है। थर्ड डे दो पेपर होता है स्टैटिस्टिक का, जो डिस्क्रिप्टिव नेचर का है, जिसमें पेपर थर्ड जो होता है उसमें तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है सैम्पलिंग, सेकेंड इकोनोमेट्रिक्स एंड रिग्रेशन, एंड थर्ड पार्ट है इंडेक्स एंड टाइम सीरीज़। तो मैंने इसमें कंप्लीट सिलेबस को नहीं फॉलो किया था, मैंने इसमें जो है इकोनोमेट्रिक्स एंड रिग्रेशन को पढ़ा था और सैम्पलिंग को पढ़ा था। और इसके लिए मैंने सैम्पलिंग के लिए मैंने जो है अपनी एमएससी की नोट्स को फॉलो किया था, और उसके साथ साथ एनपीटीईएल पे सलब सर का नोट्स है मैंने उसको फॉलो किया था। और इकोनोमेट्रिक्स एंड रिग्रेशन के लिए मैंने दामोदर एंड गुजराती की बुक पढ़ी थी और अपनी एमएससी की नोट्स और सलब सर की एनपीटीईएल की नोट्स को ही फॉलो किया था। तो ये दो पोर्शन ही मैंने ज़्यादा अच्छे से पढ़े थे। इंडेक्स नंबर मैंने गुप्ता एंड कपूर का जो अप्लाइड पार्ट है उससे मैंने इंडेक्स नंबर को कवर किया था, पर बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं पढ़ा था। और फोर्थ पेपर में मैंने ऑप्ट किया था मल्टीवेरिएट एंड वाइटल को ऑप्ट किया था। तो वाइटल के लिए मैंने गुप्ता एंड कपूर का अप्लाइड स्टैटिस्टिक की बुक है उसको फॉलो किया था। उसके साथ साथ गुप्ता एंड कपूर में कम्प्लीट सिलेबस नहीं मिलता है वाइटल का, तो उसका माइग्रेशन के लिए मैंने जिंगन की बुक पढ़ी थी, और जो है बाकी सारी चीज़ें जो न्यूमेरिकल आते हैं वो गुप्ता कपूर से आपको मिल जाते हैं। मल्टीवेरिएट के लिए मैंने अपना एमएससी का नोट्स फॉलो किया था, और उसके साथ साथ एनपीटीईएल पे एक वीडियो लेक्चर है कानपुर आईआईटी कानपुर के अमित मित्रा सर का, मैंने उस वीडियो लेक्चर को फॉलो किया था। ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था आईएसएस का। तो इसके पहले जो मैंने 2018 में दिया था तब मेरा रिटर्न नहीं क्वालिफाई हुआ था, एंड 2019 में मेरा रिटर्न क्वालिफाई हुआ था। मैंने पर्सनालिटी टेस्ट के लिए अपेयर किया था, पर कुछ मार्क्स से मेरा रुक गया था फाइनल सिलेक्शन। तो इसमें कुछ मिस्टेक्स भी मुझसे हो रही थी जिनको एनालाइज करना ज़रूरी था, और मैंने इसी तरह ये एग्ज़ाम क्रैक किया। मैं अपने प्रीवियस अटैम्प्ट से अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करती थी, उसके बाद नेक्स्ट अटैम्प्ट में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करती थी। तो जो है इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये हो रही थी कि जो है मैंने पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करी थी, जिससे मेरी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही थी। तो इस टाइम पे मैंने क्या किया था, सिलेबस को शॉर्ट कर दिया था, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी और जो मेरी स्ट्रेंथ थी मैंने उस पर ज़्यादा फोकस करा, और जो वीकनेसेस थी कुछ पार्ट्स ऐसे थे जो मेरे स्ट्रांग नहीं थे तो मैंने उनको जो है अवॉइड किया। वो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं थे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। मुझे ये लगा कि जितना मैं कवर कर रही हूँ अगर वही मैं अच्छे से कर लेती हूँ तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, और इस स्ट्रैटेजी ने मेरे लिए वर्क किया। तो जैसे थर्ड पेपर में मैंने सिर्फ इकोनॉमेट्रिक्स एंड रिग्रेशन और सैम्पलिंग पार्ट को ही अटेम्प्ट किया था, टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर को मैंने नहीं पढ़ा था। तो इसी तरह से मैंने जो है फर्स्ट एंड सेकंड पेपर में भी मैंने कुछ पार्ट्स जो है छोड़ दिए थे जो मेरे इतने स्ट्रांग नहीं थे, जो ज़्यादा टाइम टेकिंग थे। तो बस यही मैंने फॉलो किया था स्ट्रैटेजी। और इसके लिए मैं इसमें इस एग्ज़ाम के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि रिवीजन और कंसिस्टेंसी जो है दो ऐसी चीज़ें हैं जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे वो उतना ही अच्छा आपको परफॉर्मेंस होगा एग्ज़ाम में, क्योंकि ये इसका सिलेबस काफ़ी बड़ा है और बार बार रिवाइज़ करने से ही आपको चीज़ें याद रहेंगी, वरना आप जो है एग्ज़ाम में जब जाएंगे तो भूल जाएंगे। सर मुझसे 2018 में भी मेरे साथ ये हुआ था कि मैं जब एग्ज़ाम के लिए अपेयर हुई तो वहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे एकदम भूल गई थी। तो यही है कि मैंने इस बार जो है बार बार रिवीजन करने का टारगेट रखा था और रेगुलर पढ़ने का, कि इसमें गैप नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन पढ़ रहे हैं दो दिन नहीं पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से जो है आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। और रिवीजन मैंने इसमें स्ट्रैटेजी ये रखी थी कि मैं चार बार मैंने टोटल सिलेबस को रिवाइज़ किया था। तो जो है मैं आप एक बार जो है एग्ज़ाम के 3 महीने पहले पूरा सिलेबस कम्प्लीट कर लें, उसके बाद आप रिवीजन और आंसर राइटिंग पर फोकस करें, मैं यही कहूँगी। तो जब मैंने 3 महीने पहले एग्ज़ाम के सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद फिर मैंने जो है 3 रिवीजन रखे थे 3 मंथ्स के अंदर, और पहला रिवीजन मेरा जो है 2 मंथ्स का था, उसके बाद जो दूसरा जो है मेरा 15 डेज का था, और देन जो है 4 दिन का था मेरा रिवीजन। और इसके साथ साथ मैं आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करती थी स्टैटिस्टिक्स के पेपर के लिए। मैंने जीएस और इंग्लिश के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं करी थी, मैंने सिर्फ उनको पढ़ा ही था, लेकिन जीएस के डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करी थी।
इसमें कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो मैं स्टूडेंट को बताना चाहूँगी, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो शायद उन्हें हेल्प करें थोड़ी, और वो मिस्टेक ना करें जो मुझसे हुई है। तो पहला तो यही है कि जो है आप पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश ना करें। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर इसके बिना आप एग्ज़ाम में अपियर होंगे तो आप क्रैक कर सकते हैं, तो आप ऐसा ही करें। उससे क्या है कि आप जितना ज़्यादा टाइम उस पर वेस्ट करेंगे वो उस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं आपके जो स्ट्रॉन्ग पार्ट हैं उनको जो है ज़्यादा अच्छे से रिविज़न करने में, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में। दूसरा ये है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, चाहे वो इंग्लिश का हो, जीएस का हो या स्टैटिस्टिक के पेपर हैं, उनको एनालाइज करें, और एनालाइज करने के बाद एक पैटर्न डिटेक्ट करें कि किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसी पैटर्न पे तैयारी करने की कोशिश करें। मैंने डिस्क्रिप्टिव के थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर, जो डिस्क्रिप्टिव होता है, उसके लिए मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स थे उनके क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। उससे मुझे बहुत हेल्प मिली थी। इस बार जैसा पेपर अगर थोड़ा डिफरेंट भी आ गया, पर मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, प्रैक्टिस करी है, तो मुझे वहाँ पर एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिली थी उससे। और जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं उसको भी पूरा सॉल्व कर लें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप ऑब्जेक्टिव के लिए करेंगे उतना अच्छा होगा। तो ये दो तीन चीज़ें जो मेरा सजेशन है। उसके अलावा रिवीजन और कंसिस्टेंसी बनाए रखें, खुद को मोटिवेटेड रखें हमेशा। आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, किसी भी तरह से क्रैक करना है। अगर ये सोच रहेगी तो आप ज़रूर क्रैक कर देंगे। हिंड्रेंस सबके लाइफ में आते हैं कुछ ना कुछ, और जो है उनको ही ओवरकम करके आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो ये मेरे जो डोंट्स के बारे में ये कहना चाहूँगी कि जो है निगेटिविटी से दूर रखें खुद को। और आप जैसे 10 घंटे पढ़ते हैं, 8 घंटे पढ़ते हैं, पर उसके बाद थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालें, अपने फ्रेंड्स के साथ वो टाइम स्पेंड करें। उससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। तो मैं यही दो चीज़ें कहना चाहूँगी। DKT के चैनल जो है, इसके थ्रू मैं सबसे पहले तो अपनी सक्सेस के लिए मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहना चाहूँगी। पेरेंट्स के साथ साथ मेरे भाई बहन ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगी। और मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि आप भी अपने बच्चों पर बिलीव करें और उन्हें सपोर्ट करें, फिर वो देखिए क्या करते हैं। और इसके साथ साथ सारे एस्पिरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि मोटिवेटेड रहें हमेशा, पॉजिटिव एनर्जी जहाँ से भी मिले लें। अगर आपको लगता है कहीं निगेटिविटी है तो उससे दूर हो जाएँ, एटलीस्ट तब तक जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और पर्सनालिटी टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पॉजिटिव रहें, कॉन्फिडेंट रहें, और पर्सनालिटी टेस्ट को क्लियर करने के लिए। तो वो आपका अप्रोच वैसा ही होना चाहिए एग्ज़ाम के लिए भी, कि आप पॉजिटिव रहें और मोटिवेटेड रहें। और DKT को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि मुझे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का मौका दिया इन्होंने, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सारे एस्पिरेंट्स जो भी हैं ISS के, उनको मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी अगले एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच।